अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचसीएन एडिटिंग। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ इस टाइप से वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम कैपकट एप्लीकेशन के अंदर बनाएंगे और इस वीडियो को कैपकट एप्लीकेशन के अंदर बनाना इम्पॉसिबल है। तो कैपकट एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम कैपकट ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, फ़ोटोज़ पर जाएंगे और अपनी फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अभी हम जाएंगे अपना कैपकट के वाटरमार्क को डिलीट कर देंगे और अपनी फ़ोटो को जितने सेकंड की बनाना चाहते हैं, जितने मिनट की बनाना चाहते हैं, उतना हम टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। आप 10, 12, 20, 25 जितना भी बनाना चाहते हैं, 15 उतना बना सकते हैं। तो अभी हम इसको 21 सेकंड हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अभी हम ओवरले पर क्लिक करेंगे, एड ओवरले पर क्लिक करेंगे और वीडियोज़ पर आके हम इस वीडियोज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अभी हम स्प्लाइस पर क्लिक करेंगे। स्प्लाइस पर क्लिक करने के बाद लाइटिंग पर क्लिक करेंगे। अभी हम एडजस्ट पर जाएंगे। एडजस्ट पर जाने के बाद अभी हम ब्राइटनेस को, इसकी ब्राइटनेस को हम 50% रख देंगे। 50 रखने के बाद अभी हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, बिल्कुल सेंटर के अंदर, बीच के अंदर। एडजस्ट करने के बाद अभी हम नीचे कुछ भी मेंशन करना चाहते हैं, हम ऐड टेक्स्ट पर जाएंगे। टेक्स्ट पर जाने के बाद ऐड टेक्स्ट पर जाएंगे और अपना टिकटॉक या इंस्टाग्राम, टिकटॉक कर लेते हैं। तो अभी हम अपना टिकटॉक मेंशन करेंगे। टिकटॉक टाइप करने के बाद हम स्लैश दे देंगे। स्लैश देने के बाद अभी हम अपना जो अकाउंट का नेम है वो दे देंगे। तो मेरा एचसीएन एडिटिंग है तो मैं एचसीएन एडिटिंग लिख देता हूँ। एचसीएन एडिटिंग लिखने के बाद अभी हम जाएंगे स्टाइल पर। स्टाइल पर जाने के बाद हम फॉन्ट हैं, हर किस्म के फॉन्ट हैं यहाँ पर, आपको जो अच्छा लगे आप लगाना चाहते हो। लेकिन अभी हम एक, इस वीडियो के हिसाब से हम एक फॉन्ट है वो ऐड कर लेंगे, वो लगाएंगे। उसका नाम है नूनीटो। हम नूनीटो फॉन्ट को लगा लेंगे। नूनीटो फॉन्ट को लगाने के बाद अभी हम इसको फुल, जितनी वीडियो है 21 सेकंड की, हम वहाँ तक इसको ले जाएंगे। ले के जाने के बाद अभी हम इसको एडजस्ट करेंगे अच्छे तरीके से। आपने इसको बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट कर लेना है। इस टाइप से आपने एडजस्ट कर लेना है। और वो भी मैं बता दूं कि वो वीडियो आपको कहाँ से मिल सकती है जो ऊपर साउंड पे लगी हुई है। तो वो वीडियो आपको एक यूट्यूब पर चैनल है, शब्बीर जट, आपने सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपने वहाँ से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर इसी टाइप की वीडियोज़ हैं बस। तो अभी हम अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करने के बाद अभी हम ओवरले पर क्लिक करेंगे और वो जो हमारा रहता था रिमेनिंग काम, उसको डिलीट कर देंगे। तो अभी हम स्प्लिट पर क्लिक करेंगे। स्प्लिट पर क्लिक करने के बाद अभी हम डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अभी हम वाइट लाइटिंग है वो कैसे ऐड करनी है वो भी। तो ओवरले पर जाएंगे, एड ओवरले पर जाएंगे, स्टॉक वीडियोज़ पर जाएंगे। स्टॉक वीडियोज़ पर जाने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी स्पीड को कितना रखना है वो बता देंगे। तो अभी हम स्पीड को 0.6 रख लेते हैं। तो अभी हम इसकी स्पीड को 0.6 रख लेना है। 6 रखने के बाद अभी हमने इसको एडजस्ट करना है, दोनों फिंगर से हमने इसको एडजस्ट कर लेना है। फिर स्प्लाइस पर क्लिक करना है और अभी हम इसको ओवरले कर देंगे। ओवरले करने के बाद हम जाएंगे एनिमेशन पर। एनिमेशन पर जाने के बाद आउट में जाके फेड आउट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अभी हम इसको पूरी वीडियोस पर करेंगे। तो अभी हम इसकी आगे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो अभी हम इसकी कॉपीज़ ले लेंगे। तो अभी हम 6-7 जितनी कॉपी लगेंगे उतनी कॉपीज़ इसकी ले लेंगे। तो अभी हम जल्दी इसको अभी हम कर लेते हैं एडजस्ट। अगर आपको कोई कॉपी कम पड़ जाती है तो आपने वापस उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अभी हम इसको एडजस्ट कर लेंगे।
तो अभी हम सारों को ना दो दो सेकंड के आसपास रख देंगे। हर दो सेकंड के बाद हम ये ऐड कर देंगे। तो अभी आप देख लें, हमने बिल्कुल एडजस्ट कर दिया है हर दो दो सेकंड के बाद, और ये लग रहा भी बहुत प्यारा है हर दो दो। मैंने कॉपी साउंड ऑफ करा हुआ है कॉपीराइट इशू की वजह से, कोई कॉपीराइट वीडियोस पर ना आ जाए, वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, तो इसलिए मैंने साउंड ऑफ करा हुआ है। तो देख ले, अभी हमारी वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है। तो अभी हम ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम इसको HD क्वालिटी में कर लेंगे, और अभी हम इसको डाउनलोड कर लेंगे और आपकी वीडियो डायरेक्ट गैलरी में एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे TikTok पर भी फॉलो कर लें, क्योंकि TikTok पर मैं अपनी एडिटिंग देता रहता हूँ। और आप मुझे ये भी बता दें कि आपको किस टाइप की वीडियो एडिटिंग चाहिए या फोटो एडिटिंग चाहिए। मैं फ़ोटो एडिटिंग भी करता हूँ, तो मैं उस टाइप की आपके ऊपर लेकर आ जाऊँगा चैनल के लिए। तो ये डाउनलोड होने वाली है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।